सो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ASPX फाइल्स यहाँ पे मौजूद है, इस तरह का उसका फॉर्मेट रहता है। तो मुझे इसे PDF में कन्वर्ट करना है। जो भी फाइल आपका होगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये ASPX में आ रहा है वो, ठीक है। तो जो भी आपका फाइल होगा उसको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो एक डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए, और एक राइट साइड में ये जो सर्कल में आ रहा है ये है प्रिंट का ऑप्शन। आपको डाउनलोड के ऑप्शन में नहीं जाना है, वो फिर से ASPX हो जाएगा। आपको इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन जो है वो आपका प्रिंटर दिखाएगा। मेरा इसमें कोई प्रिंटर यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है फिलहाल, इस वजह से यहाँ पे सेव एज PDF दिखा रहा है। तो आपका प्रिंटर भी दिखाएगा और सेव एज PDF भी दिखाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस सेव एज PDF पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। प्रिंटर को हटा के सेव एज PDF कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपको फोल्डर कहाँ पे सेव करना है वो आपको मांगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए एज टाइप जो है नीचे एक्रोबैट रीडर हो चुका है, ठीक है, एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट हो चुका है। आपको बस अपना फोल्डर सिलेक्ट करके सेव कर देना है, और फिर वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपने उस फाइल को सेव किया है, और फिर उसे राइट क्लिक करके ओपन विथ करके अपने एडोब एक्रोबैट रीडर जो होता है, ठीक है, ये एडोब रीडर, उसे आपको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। उसके बाद आपका जो फाइल है वो PDF में ओपन हो जाएगा। मैं इसे हाइड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे शो करना नहीं चाहता, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ASPX फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हैं, मेल वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।